सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल पहाड़ी मुसाफिर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो जैसा आप देख रहे हो, मैं हो गया हूँ रेडी और आज मैं जा रहा हूँ ट्रैक पे। मैं कल से बहुत बिजी था तो मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाया, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्योंकि कल होली थी और होली के जस्ट बाद मैं अभी फ्री हुआ हूँ सुबह सुबह। तो दोस्तों, अब मैं फाइनली आपको बता देता हूँ, हम जा रहे हैं केदारकांठा ट्रैक जो कि है उत्तरकाशी में। तो आज हमारा डे वन है। डे वन देहरादून से स्टार्ट होता है और सांकरी विलेज तक होता है। सांकरी विलेज ऑन रोड है, वहाँ पे हम होटल में आज रुकेंगे क्योंकि कल से हम सुबह ट्रैक स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए हमें आज सांकरी में होटल में रुकना पड़ेगा। तो जो हमारा ट्रैक होने वाला है वो 6 दिन का है, 5 नाइट और 6 डे। तो दोस्तों चलो मैं आपको इंट्रो करा देता हूँ सबका। अरे मास्क वाली को तो आप जानते ही हो। तो ये है डॉली, ये अभी मास्क नीचे नहीं करेगी। कब करोगे मास्क नीचे? अभी। अरे यार कोई नहीं, देखने को मिलेगा डॉली का चेहरा, वेट करो आप। और हमारे साथ है भैया और भाभी और ये मेरे चाचू हैं और ये चाची हैं। तो हम टोटल 6 लोग हैं। तो हम वेट कर रहे हैं 2 लोगों का और जो इस ट्रैक में हमारे साथ होंगे, हमारे ग्रुप में। तो दोस्तों हम निकल गए हैं अपने ट्रैक के लिए और ये है पहला दिन जो हम निकल रहे हैं देहरादून से और सांकरी प्लेस के लिए। अभी हम देहरादून में हैं और हम जाएंगे मसूरी होते हुए। तो यार अभी हम पहुंचे हैं मसूरी झील, जो आपने मेरे इससे पहले के ब्लॉग में देखा होगा। मसूरी झील जा नहीं रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं। और हमारे साथ एक और जो भाई हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, तो इनसे पूछ लेते हैं कहाँ से आए हैं। हाय, नाम क्या भैया? रिदिन। रिदिन, और कहाँ से आए हो? केरला से। ओह माय गॉड, केरला से। देखो यार, केरला से उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं लोग और केदारकंठा ट्रैक हमारे साथ ही करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे ग्रुप में ही होंगे। आपके कोई फ्रेंड वगैरह? सोलो। क्या क्रेज है यार, बताओ ना ट्रैक का क्या ही क्रेज है। केरला से बंदे आया है, केरला से, और सोलो ट्रैक करेंगे। वाह यार गजब। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मसूरी लाइब्रेरी चौक और हम जा रहे हैं अभी कैंपटी फॉल वाली रोड पे। तो दोस्तों ये है कैंपटी फॉल, सामने नीचे आपको दिख रहा होगा। तो यार अभी हम कैंपटी फॉल के नीचे एक मार्केट है, यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, तो यहाँ पे करेंगे हम ब्रेकफास्ट। 2 मिनट में ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से अपनी जर्नी के लिए। चाचू कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये घायल है, ये तो घायल हो रही है, घायल हो गई। सुनाओ, कर लिया हमने अपना ब्रेकफास्ट और जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें 2.5 से 3 घंटे में अभी पुरुला पहुँचना है। तो फिर वहाँ पे जाके हम लंच करेंगे। भैया बिल्कुल रेडी है हमें ले जाने के लिए? तैयार हो जा रहे बस बुलाओ उनको। अब कहाँ रुकेंगे भैया? पुरुला। तो इसके बाद का स्टॉप होगा पुरुला, वहाँ पे हम लंच करेंगे। सनग्लासेस बॉलीवुड। तो अभी क्या हो रहा है, तो जो भाई है रिदिन केरला से आया है, तो ये सब इसकी रैगिंग ले रहा है, मतलब ये अब सबको गढ़वाली है और जो भैया है कुमाऊनी है, मतलब उत्तराखंड के सब, और ये इससे पूछे जा रहे हैं। बंदा परेशान हो गया शायद। अभी तक चाचू गढ़वाली गाना सुन रहे थे, भाई से बात करके अब साउथ के गाने स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। अब बोल रहे मुझे ये वाला गाना पसंद है। कौन सा है? हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। तो अभी हम खेल रहे हैं अंताक्षरी। पागल है प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी आते हो कुछ भी से आना चाहिए, गाना आए या ना देखो एक तगड़ा व्यू। तो
ये है कुरोला, कुरोला ना, कुरोला थोड़ा आगे है पर ये पुरोला के एरिया में आता है। गाइस अभी हम पहुंच गए पुरोला और पुरोला का बस भी दिखाता हूं आपको। ये मार्केट स्टार्ट हो जाता है पुरोला का यहां से। दिखा दिया शकल अब तो सुबह ही दिखा लिया था। अभी भी बोल रही है शकल नहीं दिखानी, बताओ हद यार। अब हम जा रहे हैं खाना खा के, अब अगला स्टॉप पे आपको बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। थैंक यू। हाँ सब खा लो, रुक जा, सब बाकी खाना। बाय 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 बाय। वेलकम टू हनोल। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं मोरी और यहां से 17 किलोमीटर है हनोल। और जो हनोल आपने सुना होगा, मासू देव का मंदिर बहुत फेमस है, ऑल इंडिया में फेमस है, ऑल इंडिया से लोग आते हैं वहां पे घूमने के लिए। तो इसी रोड पे पड़ता है मोरी से 17 किलोमीटर बाद हनोल आता है, जहाँ पे मासू देव का मंदिर है। अभी तो मैं जाऊँगा नहीं वहाँ पे, होप सो अगर हम वापस आए तो क्या पता वहाँ पे चल जाएँ और आपको मासू देवता भी दिखा दें। तो हम रुक रहे हैं मोरी से थोड़ा आगे, बस ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं रिवर साइड पे। डॉली कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। क्यों, क्या हो गया? वाह, इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा था कैसे बुरी थी। हम जा रहे हैं कहाँ? ट्रैकिंग पे। और मेरी शक्ल देखनी है तो ट्रैक का व्यू, ट्रैक की वीडियो जरूर देखना। और अब देख लो इसकी शक्ल कैसे हो रही है, देखने लायक नहीं है इसकी शक्ल अभी। ऑसम व्यू, ओए होए होए, वाओ वाओ वाओ, ओए होए होए, वाओ, रोक ले, अटक गया क्या? अरे पत्थर आ गया, नहीं नहीं तो पर पत्थर नहीं, ये तो आ गया, ये देखो, ओए होए ओए होए, रुको रुको अभी तो नाश्ता। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं सांकरी विलेज। ये देखिए यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। और जिस होटल में हम रुकेंगे वो है ये होटल स्वर्गरोहिणी पैलेस। क्या नाम है? स्वर्ग रोहिणी पैलेस। नहीं नहीं, भैया तो बहुत खुश दिख रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू, हैप्पी। नहीं नहीं, और चाचू तो डॉग दिख जाए, बस डॉग लवर, काट दिया, पकड़ दिया, इसने छोड़ दिया, पकड़ दिया। मार्को, ओह इसका नाम है मार्को। सो फाइनली अब जा रहे हैं हम रूम देखने, कहते हैं आपको कैसा रूम मिला हमें। ग्राउंड फ्लोर पे बिल्कुल, और यहाँ पे बता दूँ यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो नेटवर्क का दिक्कत है यहाँ पे। तो अब हम दिखाते हैं आपको अपना रूम स्वर्गरोहिणी का। अच्छा है, एक बेड इधर लगा है, एक डबल बेड यहाँ पे लगा है। और व्यू दिखाता हूँ अपने रूम से, और ये नीचे का व्यू है यार। कैसा लगा व्यू? बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या व्यू है, तो ब्रेथ टेकिंग बोलते हैं जिसको, वो है व्यू यहाँ पे, अमेजिंग। सो यहाँ का भी व्यू अच्छा है, यहाँ से झुक के देखो ऐसे दिख जाएगा। देखो हमारे रूम से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन इनका रूम भी बहुत अच्छा है, ऐसे थोड़ा सा झुक के
यू देखना पड़ेगा अच्छे व्यूज के लिए। रूम के लिए लड़ाई हो रही है और भैया ने यार ताला लगा दिया कि हमारा रूम है। कोई नहीं आएगा। जहाँ पे कोई नहीं आएगा। ये देखो। हम अपने कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद हम साइड। यार ये तो गलत बात है यार। साइड हट जा साइड। तो नाउ टी टाइम। हाय हाय। चाय पीने से पहले व्यू देख लो यहाँ का बस। तो अभी चाय पीता हूँ मैं, उसके बाद आगे बताता हूँ क्या होता है। थ्री पार्ट्स। सबसे पहले हम लोग बताते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन हम लोग बताते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको कैरी करने हैं, और पॉइंट नंबर थ्री हमारा होता है व्हाट विल बी आवर आइटिनरी, शेड्यूल जो रहेगा क्या रहेगा। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में पॉइंट नंबर वन सबसे बेसिक रूल, आई एम द वन, इट मीन्स दैट यू आर सपोज टू कैरी एवरीथिंग विद यू। आपको अपने इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स लेके जाने हैं, अगर आप लेके जाते हो तो समिट सक्सेसफुल हो पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाता है। हो सकता है लेकिन वेदर खराब हो रहा हो सकता है, अभी तो शायद हो गया पीक पे। तो 30-35 उन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, तो हमें वो फॉलो करने होते हैं। जैसे ऊपर कोई भी कूड़ा कबाड़ा नहीं करना होता है, कोई रैपर वगैरह है वो वहाँ पे नहीं फेंकने होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है और बिल्कुल क्लीन है, हमें बिल्कुल साफ रख के चलना होता है। तो वो चीज़ ये हमें बताते हैं। तो अभी हमने चाय वगैरह पी है, अब हम मिलेंगे यहाँ पे 7:30 बजे करीब। तब तक हम जो भी हमारी नीड्स की चीज़ें हैं, जैसे स्टिक्स हो गई और शूज़ हो गए, जो ट्रैकिंग शूज़ होते हैं और ट्रैकिंग शूज़ और जैकेट जो -degree पर आपको ठंड नहीं लगने देती है वो, और अभी जो भी जितनी भी नीड्स की चीज़ें होती हैं वो हमें नीचे रेंट पर मिल जाती हैं। तो वो अभी 7:30 बजे तक, वैसे 9 बजे तक बोल रहे थे, 9 बजे तक यहाँ पर खुला रहता है जो यहाँ का मार्केट है, 9 बजे तक खुल रहता है, तो आपको 9 बजे तक इजीली मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं मार्केट की तरफ और क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है देखते हैं, क्या क्या हमको नीड है तो वो लेके फिर आपको सारा प्राइस बता दूँगा कितने में क्या मिलता है। तो दोस्तों अभी मैंने लिया है स्टिक और एक ये पॉन्चो लिया है, और मेरे पे शूज़ थे नहीं, मैं स्पोर्ट्स शूज़ लेके आया था, बट वहाँ पे स्पोर्ट्स शूज़ चलते नहीं हैं, तो मैंने ये शूज़ परचेस किए, यहाँ पे परचेस नहीं रेंट पे लिए हैं। और ये शॉप का नाम है रेंटल बाबा, रेंटल बाबा। तो इसके प्राइस देख लो आप, इसके रेंट प्राइस देख लो, और यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, टेंट, स्लीपिंग बैग्स वगैरह और स्टिक वगैरह, स्टिक्स और शूज़ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप यहाँ पे आते हो तो अपने एक टॉर्च, जो हेड टॉर्च होती है वो लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है, हमें 300 पर पर्सन पे करना पड़ा है उसके लिए, तो वो 50-60 रुपये की मिलती है, आप उसको लेके आना। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:18 और 7:30 बजे हमें ऊपर टेरेस पे जाके डिनर करना है, तो चलो मैं जाता हूँ अभी डिनर करने। तो हम आ गए हैं टेरेस पे और ये डिनर ले रहे हैं। राइस है और मटर पनीर है, चपाती सैलड है, ये क्या पीली दाल है, ये पीली दाल है, ओके। और ये क्या पापड़ है, पापड़ है, जस्ट रिंग जैसे लग रहा है, ये चपाती है। और ये यहाँ का व्यू है नाइट का। दुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, नरेना पाक पाक चेता मेरी चेला। सो फाइनली गाइस मैं आ गया अपने रूम पे और सुबह से अब तक बहुत थक लगी है, तो सो जाता हूँ। तो कैसे लगा आपको ये व्लॉग, फर्स्ट व्लॉग ये है पार्ट वन देहरादून से और सांकरी तक का, कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट करिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे अगले व्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सुबह से थक गया हूँ इसलिए ज़्यादा बोलने वाला हूँ, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टाटा बाय बाय गुड नाइट। और हाँ मेरे साथ है रिजिन ब्रो। Bye-bye.